पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है। इंसेक्ट्स में ये सेगमेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हजारों लाखों साल में डेवलप हुआ है। इसका प्रूफ हमें आर्थ्रोपोडा से पहले आने वाले फाइलम्स में दिखता है। आज के दिन फाइलम आर्थ्रोपोडा से पहले देखें तो फाइलम निमेटोडा, जिसमें निमेटोड्स आते हैं, उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इससे नेक्स्ट क्लास एनेलिडा, जिसमें अर्थवॉर्म्स आते हैं, उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन उनके सेगमेंट्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं होते। इसके बाद आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिनके अंदर सेगमेंटेशन भी है और इनमें ये सेगमेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन आपस में फ्यूज होके डिफरेंट रीजन्स बनाते हैं। और ये तीन डिस्टिंक्ट रीजन इंसेक्ट बॉडी के हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन होते हैं। और इस तरह से इंसेक्ट्स में बॉडी सेगमेंट्स का डिस्टिंक्ट रीजन्स में ग्रुपिंग होना टैग्मोसिस कहलाता है, और इस एक रीजन को इंडिविजुअली टैग्मा कहते हैं। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इंसेक्ट्स की बॉडी ने अपने आप को सेगमेंटेशन और फिर ये सेगमेंटेशन फर्दर आपस में फ्यूज हो गए, ऐसी अडेप्टेशन इंसेक्ट्स में क्यों हुई? इंसेक्ट्स में सेगमेंटेशन और उनके फ्यूजन के कारण इंसेक्ट्स की बॉडी को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो कि इनके सर्वाइवलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में डिस्टिंक्ट रीजन्स बनने के कारण डिफरेंट रीजन्स के फंक्शन भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि हेड रीजन में ब्रेन, आई और माउथ पार्ट्स होते हैं, और थोरेसिक रीजन में विंग्स एंड लेग्स होते हैं, और एब्डोमिनल रीजन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। और साथ ही सेगमेंटेशन और उनके फ्यूजन के कारण इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, जिसके कारण इंसेक्ट्स के वाइटल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इसीलिए इंसेक्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये सब फीचर्स अडॉप्ट कर चुके हैं, और इन्हीं फीचर्स के कारण एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स एक सक्सेसफुल क्रिएचर बने। सबसे पहला एंटीरियर टैग्मा हेड कहलाता है, और इंसेक्ट्स में हेड 7 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है। ये 7 सेगमेंट्स हैं लैबियल सेगमेंट। इसका नाम लैबियल सेगमेंट इसलिए है क्योंकि इसी सेगमेंट में इंसेक्ट माउथ पार्ट का लैबियम पोर्शन प्रेजेंट है। इसी तरह दूसरा सेगमेंट है जिसमें माउथ पार्ट के मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं, उसे मैक्सिलरी सेगमेंट बोलते हैं। तीसरा सेगमेंट है मैंडिबुलर, इसमें इंसेक्ट के माउथ पार्ट के मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। चौथा सेगमेंट है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब होता है इंसर्शन, यानी इंटरकैलरी सेगमेंट के बाद आगे की तरफ एंटीरियर सेगमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये एक सेपरेशन की तरह काम करता है। फिफ्थ सेगमेंट है एंटीनल सेगमेंट, जिसमें इंसेक्ट हेड में एंटीना पाए जाते हैं। सिक्स्थ सेगमेंट है ऑक्यूलर या प्री एंटीनल। प्री एंटीनल का मतलब हुआ एंटीनल सेगमेंट से पहले, यानी इस सेगमेंट में इंसेक्ट्स की अ पेयर ऑफ आईज मिलती हैं, इसीलिए इसको ऑक्यूलर सेगमेंट भी कहा जाता है। सेवन्थ सेगमेंट है क्लाइपियोलेब्रल। इस सेगमेंट में इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट का लेब्रम रीजन पाया जाता है। इन सातों सेगमेंट्स को अगर हम समराइज करें तो आप पाएंगे कि जो आगे के 3 सेगमेंट्स हैं उनमें इंसेक्ट माउथ पार्ट का कोई भी अपेंडिसेस नहीं है, सिर्फ एक एंटीनल सेगमेंट है जिसमें हेड के अंदर एंटीना पाए जाते हैं। ये तीनों सेगमेंट जो आगे की तरफ यानी एंटीरियर पोर्शन में मिलते हैं उनको बोलते हैं प्रोसेफेलोन, यानी प्रो मीन्स होता है आगे और सेफेलोन मीन्स होता है हेड। ऐसे सेगमेंट्स जो हेड के एंटीरियर पोर्शन में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोसेफेलोन। और बाकी के जो 4 सेगमेंट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि एक ना एक माउथ पार्ट का हिस्सा या अपेंडिसेस उसमें पाया जाता है, इसीलिए उन सभी सेगमेंट्स को बोलते हैं गैनेथोसेफेलोन। गैनेथोसेफेलोन का मतलब हुआ गैनेथो मीन्स होता है जॉ और सेफेलोन मीन्स हेड, यानी ऐसे सेगमेंट्स
जिनमें माउथ पार्ट के अपेंडिसेस पाए जाते हैं उनको बोलते हैं गैनेथोसेफेलोन। इन 7 सेगमेंट्स में इंसेक्ट का हेड कैप्सूल होता है। अब इंसेक्ट्स में ह्यूमंस की तरह बोन्स तो होती नहीं है, इंसेक्ट्स में होता है काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट में क्यूटिकल की काफ़ी सारी प्लेट्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं क्यूटिक्यूलर प्लेट्स। इनको साइंटिफिक टर्म में स्क्लेराइट्स बोला जाता है। ये काफ़ी सारी स्क्लेराइट्स इंसेक्ट्स में हेड कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वॉल को बोलते हैं क्रेनियल वॉल, और इस हेड कैप्सूल को बोलते हैं क्रेनियम। इंसेक्ट का हेड कैप्सूल हाईली स्क्लेरोटाइज्ड प्रोटीन से बनता है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ताकि इंसेक्ट्स के सेंसरी ऑर्गन और ब्रेन इसमें प्रोटेक्टेड रहें। अब ये काफ़ी सारे स्क्लेराइट्स आपस में जिस जंक्शन पे मिलते हैं वहाँ पे हमें एक क्यूटिकुलर लाइन या रिज दिखती है, जिसको बोलते हैं सूचर, और मेडिकल साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं सल्कस। इंसेक्ट के हेड में 10 मेजर स्क्लेराइट्स हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला स्क्लेराइट है वर्टेक्स, जो कि दोनों कंपाउंड आईज के बीच में पाया जाता है। वर्टेक्स से नीचे होता है फ्रॉन्स, जो कि फेसियल एरिया है। फ्रॉन्स से नीचे होता है क्लाइपियस, क्लाइपियस से दूसरा स्क्लेराइट लेब्रम अटैच्ड होता है। लेब्रम माउथ पार्ट का अपर पोर्शन होता है, और इसे अपर लिप ऑफ माउथ कैविटी भी कहा जाता है, जो कि फ्रीली सस्पेंडेड होता है लोअर मार्जिन ऑफ क्लाइपियस से। कंपाउंड आईज और मैंडिबल के बीच के स्क्लेराइट को बोलते हैं जीना। वर्टेक्स से पीछे की तरफ के स्क्लेराइट को बोलते हैं ऑसिपुट। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हेड के स्क्लेराइट्स थे, बाकी और आप नोट्स में पढ़ लीजिए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो एग्जाम में पूछने लायक थे वो मैंने बता दिए हैं। यूट्यूब पे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नोट्स के लिए एक लिंक मिलेगा, जिसपे क्लिक करके आप वीडियो से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर पे वापस, और अब हम इंसेक्ट हेड में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सूचर्स, यानी जो जंक्शंस है स्क्लेराइट्स के बीच में, उनकी बात करते हैं। सूचर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जॉइंट। सूचर हेल्प करता है मसल अटैचमेंट के लिए। इंसेक्ट हेड में सबसे इंपॉर्टेंट सूचर है एपिक्रेनियल सूचर, जो कि इन्वर्टेड वाई शेप्ड वर्टेक्स के ऊपर होता है। इसे लाइन ऑफ वीकनेस या इक्डाइसियल सूचर भी कहते हैं। इक्डाइसिस माउल्टिंग का दूसरा स्टेप है, और इक्डाइसिस के दौरान इंसेक्ट क्यूटिकल ब्रेकेज होती है, और ये ब्रेकेज इसी लाइन से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको लाइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं या इक्डाइसियल सूचर बोलते हैं। दूसरा सूचर है फ्रंटो क्लाइपियल सूचर, जिसे एपिस्टोमल सूचर भी बोलते हैं। एपी मीन्स अबो, स्टोमल मीन्स माउथ पार्ट्स, यानी ये सूचर माउथ पार्ट्स के ऊपर फ्रॉन्स और क्लाइपियस के बीच में पाया जाता है। अगला सूचर है क्लाइपियो लेब्रल सूचर। नाम से पता चल रहा है ये क्लाइपियस एंड लेब्रल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट सूचर है ऑसिपिटल सूचर, जो कि वर्टेक्स और ऑसिपुट स्क्लेराइट के बीच में होता है। इसके बाद है पोस्ट ऑसिप्यूटल सूचर, जो कि ऑसिपुट और थोरेक्स सेगमेंट के बीच में होता है। इसे ओनली रियल सूचर ऑफ इंसेक्ट हेड कहा जाता है, क्योंकि यह सूचर हेड और थोरेक्स को सेपरेट करता है। पोस्ट ऑसिपिटल सूचर के बाद पोस्टीरियर एंड पे हेड के अंदर जो ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू एओर्टा, फोरगट, सेंट्रल नर्व कॉर्ड और नेक मसल्स थोरेक्स के साथ जुड़ते हैं, इस ओपनिंग को बोलते हैं ओसिपिटल फोरामेन। इंसेक्ट हेड कैप्सूल पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, जैसे कि ए पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, ऑसिलाई, अ पेयर ऑफ एंटीना, माउथ पार्ट्स। ये सभी अपेंडिसेस सिफेलिक अपेंडिसेस कहलाती है। सिफेलिक मीन्स हेड, यानी हेड की अटैचमेंट। ये सारे सिफेलिक अपेंडिसेस इंसेक्ट हेड एंडोस्केलेटन पे अटैच्ड होते हैं, और इस अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करने वाले पार्ट को बोलते हैं टेंटोरियम। इंसेक्ट हेड के स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हमें इंसेक्ट हेड के फंक्शंस भी समझ में आ जाएंगे। जैसा कि हमने पढ़ा, इंसेक्ट हेड या इंसेक्ट कैप्सूल के अंदर
नर्व सेल्स प्रोटेक्टेड रहती हैं, तो इसका काम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ नर्व सेंटर। सेकेंड थिंग, इंसेक्ट हेड में माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। थर्ड थिंग, इंसेक्ट हेड में बहुत सारी सेंसरी अटैचमेंट्स होती हैं, जैसे कि आईज हो गए, एंटीना हो गए, जो कि एनवायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करती हैं। और हेड कैप्सूल में नर्व सेल्स होते हैं जो कि बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। इंसेक्ट्स में हेड थोरक्स के साथ ऑसिपिटल फोरामेन के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं। हेड की बॉडी के साथ तीन तरह की ओरिएंटेशन इंसेक्ट्स में मिलती है, जिसमें पहला टाइप है हाइपोगनेथस, जिसमें बॉडी एक्सिस और हेड एक्सिस दोनों राइट एंगल पे ओरिएंटेड होते हैं, यानी हेड का लॉन्ग एक्सिस 90 डिग्री एंगल बनाता है बॉडी एक्सिस के साथ। और इस ओरिएंटेशन में माउथ पार्ट्स वेंट्रली यानी लोअर एंड पे प्रेजेंट होते हैं और जो कि डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड होते हैं। इस ओरिएंटेशन का नाम है हाइपोगनेथस। हाइपो का मतलब है बिलो यानी नीचे की तरफ और गनेथस का मतलब है जॉ यानी माउथ पार्ट्स। ऐसा हेड ओरिएंटेशन जिसमें माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ ओरिएंटेड हो उसे बोलेंगे हाइपोगनेथस टाइप ऑफ हेड ओरिएंटेशन। इस तरह का हेड ओरिएंटेशन आपको ग्रास होपर्स में मिलेगा। ग्रास होपर्स क्लासिफिकेशन में ऑर्डर ऑर्थोपटेरा में बिलोंग करते हैं, इसलिए इस तरह के हेड ओरिएंटेशन को ऑर्थोपेट्रॉइड टाइप भी बोलते हैं। इंसेक्ट्स में दूसरी तरह के हेड ओरिएंटेशन टाइप है प्रोगनेथस टाइप, जिसमें बॉडी एक्सिस और हेड एक्सिस दोनों इनलाइन होते हैं, यानी सेम लाइन के अंदर बॉडी एक्सिस और माउथ पार्ट्स होते हैं। ऐसे हेड ओरिएंटेशन को प्रोगनेथस टाइप बोलते हैं। प्रो मीन्स होता है इन फ्रंट और गनेथस मीन्स जॉ, यानी ऐसा हेड ओरिएंटेशन जिसमें माउथ पार्ट्स एकदम फ्रंट में लोकेटेड हों। इस तरह का हेड ओरिएंटेशन मेनली आपको बीटल्स में मिलेगा। बीटल्स क्लासिफिकेशन में ऑर्डर कॉलियोपटेरा में आते हैं, इसलिए इस तरह के हेड ओरिएंटेशन को कॉमनली कॉलियोपटेरॉइड टाइप भी कहा जाता है। इस तरह से माउथ पार्ट्स का ओरिएंटेशन ऐसे इंसेक्ट्स के लिए यूजफुल रहता है जो कि प्रीडेटरी नेचर के होते हैं या फिर मिट्टी को खोदने का काम करते हैं। थर्ड टाइप का हेड ओरिएंटेशन है ओपिस्टोगनेथस। इसमें बॉडी एक्सिस और हेड एक्सिस के बीच में 90 डिग्री से कम का एंगल होता है, यानी माउथ पार्ट्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि वो आगे के दोनों लेग्स जिन्हें हम फोर लेग्स कहते हैं उन दोनों के बीच में लाई करते हैं और माउथ पार्ट्स पीछे की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। ओपिस्टो का मतलब होता है बिहाइंड और गनेथस मीन्स जॉ, यानी ऐसा हेड ओरिएंटेशन जिसमें माउथ पार्ट्स बैकवर्ड ओरिएंटेड हो उसे ओपिस्टोगनेथस टाइप बोलते हैं। ऐसा ओरिएंटेशन ओपिस्टोगनेथस कहलाता है। इस तरह का हेड ओरिएंटेशन और माउथ पार्ट्स ऑर्डर इंसेक्ट ऑर्डर हेमिपटेरा में मिलता है जो कि मेनली सैप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, इसलिए इस अरेंजमेंट को हेमिपटेरॉइड टाइप बोलते हैं या फिर ओपिस्टोरैंकस टाइप, जिसे कॉमनली बग टाइप हेड अरेंजमेंट कहा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा, इंसेक्ट के हेड से सेंसरी अपेंडिसेस अटैच्ड होती है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अपेंडिसेस है इंसेक्ट्स में एंटीना। एंटीना सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल होता है एंटीनी, यानी लास्ट में ए ई लग जाता है। मोस्टली इंसेक्ट्स में अ पेयर ऑफ एंटीनी पाए जाते हैं, यानी दो एंटीना उनके एंटीरियर पोर्शन आगे की तरफ सेकंड सेगमेंट ऑफ हेड जिसे एंटीनल सेगमेंट बोलते हैं कंपाउंड आईज के जस्ट पीछे पाए जाते हैं। एंटीना इंसेक्ट्स के सबसे मेन सेंस ऑर्गन है जो कि उन्हें टच, स्मेल, ऑडर, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी चेंज या टेम्परेचर वेरिएशन, विंड वेलोसिटी, वाइब्रेशन और विंड की डायरेक्शन, ये सब सेंस करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एंटीना केमिकल्स को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, जिसकी मदद से इंसेक्ट्स फूड को लोकेट करते हैं। साथ साथ ये फेरोमोन को भी
सेंस करने में हेल्प करते हैं। यानी इंसेक्ट्स में अपोजिट सेक्स के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स को डिटेक्ट करने में भी एंटीना ही हेल्प करते हैं, यानी इनका मेटिंग में भी रोल होता है। इंसेक्ट एंटीना के फंक्शंस को अच्छे से समझने के लिए इंसेक्ट एंटीना के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। एंटीना हेड के एक सॉकेट में सेट होते हैं जिसे बोलते हैं एंटीनल सॉकेट। इस सॉकेट की बाउंड्री पे एक रिम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एंटीनीफर। एंटीना का बेस एंटीनीफर से एक आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा होता है। इस आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन के साथ मसल्स अटैच्ड होती है जिसके कारण इंसेक्ट्स के एंटीना इतने अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं। इंसेक्ट्स के एंटीना सेगमेंटेड होते हैं, यानी इसमें भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें से सबसे बेसल सेगमेंट होता है स्केप। स्केप सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट होता है और ये हेड सॉकेट से कनेक्टेड होता है। इसके बाद दूसरा सेगमेंट होता है पेडिसिल। इसमें एक सेंसरी सेल्स का मास प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं जॉनसन्स ऑर्गन। इसे फर्स्ट टाइम एक फिजिशियन क्रिस्टोफर जॉनसन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे जॉनसन्स ऑर्गन कहा जाता है। ये ऑर्गन इंसेक्ट्स में ऑडिटरी फंक्शन प्ले करता है, यानी कुछ इंसेक्ट्स में ये लिसनिंग कैपेबिलिटी लाता है। सारे इंसेक्ट्स में जॉनसन्स ऑर्गन नहीं होता। जॉनसन्स ऑर्गन आपको मिलेगा मॉस्किटो में, फ्लाइज में और हनी बी में। हनी बी में देखें तो अगर कोई हनी बी को अगर कोई फूड सोर्स मिलता है बाकी बीज को इन्फॉर्म करने के लिए एयरबॉर्न साउंड सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है और ये सिग्नल्स बाकी हनी बीज जो हाइव में होती है वो जॉनसन्स ऑर्गन की हेल्प से ही इंटरप्रिटेट करती है। स्केप और पेडिसिल के बाद अगला एंटीना का पार्ट होता है फ्लैजिलम, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनकी सरफेस पे बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि केमिकल और मैकेनिकल सिग्नल्स को इंटरप्रिटेट करते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, इंसेक्ट्स में इतनी सारी डाइवर्सिटी है और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और इन इंसेक्ट्स की रिक्वायरमेंट और फूड हैबिट भी डिफरेंट होती है, तो इसलिए इंसेक्ट्स में एंटीना भी उस हैबिटेट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसेक्ट्स में मॉडिफाइड होती है। एंटीना में सबसे आगे वाला पार्ट जिसे हम फ्लैजिलम बोलते हैं, उसमें जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लैजिलोमर्स। ये अलग अलग इंसेक्ट्स में डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। इसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के एंटीना पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हम यहाँ पढ़ेंगे। सिटेशियस टाइप ऑफ एंटीना। इस एंटीना टाइप में बेस से एपेक्स की तरफ सेगमेंट्स छोटे होते जाते हैं साइज में, जिसके कारण एक टैपरिंग अपीयरेंस होती है और ये आगे की तरफ पॉइंटेड होते हैं, जिससे इन एंटीना को एक विप लाइक या ब्रिस्टल जैसी अपीयरेंस मिलती है। ये एंटीना टाइप आपको कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई, डैम्सर फ्लाई जैसे इंसेक्ट्स में दिखती है। अगर फ्लैजिलोमर्स की शेप सिलेंड्रिकल हो और उनकी थिकनेस बेस से एपेक्स तक ऑलमोस्ट सेम हो, ऐसे एंटीना को फिलीफॉर्म टाइप कहते हैं। फिलीफॉर्म टाइप एंटीना एक थ्रेड लाइक अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि सेम थिकनेस का सिलेंड्रिकल अपीयरेंस होने के कारण इन्हें थ्रेड टाइप एंटीना भी बोलते हैं। इस तरह के एंटीना आपको ग्रास होपर में मिलेंगे और ग्राउंड बीटल में मिलेंगे। अगला टाइप है मोनिलीफॉर्म। इस टाइप के एंटीना में फ्लैजिलोमर्स गोल और ओवल शेप्ड होते हैं और इस तरह का अपीयरेंस देते हैं जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ बीट्स हो, यानी मोतियों की माला हो, इस तरह का अपीयरेंस देता है। इस तरह के एंटीना टाइप को मोनिलीफॉर्म बोलते हैं। ये मेनली आपको टर्माइट्स में दिखेगा। अगला एंटीना टाइप है सेरेट, जिसमें एंटीना की एक साइड ट्रायंगुलर छोटे छोटे फ्लैजिलोमर्स के प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सॉ लाइक अपीयरेंस देते हैं, यानी आरी नुमा स्ट्रक्चर दिखता है एंटीना का, इसलिए इसे बोलते हैं सेरेट टाइप ऑफ एंटीना। इस तरह का एंटीना आपको मेनली कुछ बीटल्स में दिखेगा जैसे कि पल्स बीटल। सेरेट एंटीना में एक साइड छोटे छोटे प्रोजेक्शंस थे और यही प्रोजेक्शंस थोड़े बड़े हो जाएं, कॉम्ब लाइक अपीयरेंस दे, तो इन्हें बोलेंगे पेक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना। इन्हें
यूनिपेक्टिनेट भी बोलते हैं। यूनि का मतलब हुआ वन, यानी वन साइडेड कॉम्ब अपीरियंस। तो आप गेस कीजिए, अगर ये एंटीना के दोनों साइड ऐसी ही अपीरेंस हो तो ऐसे एंटीना टाइप को क्या बोलेंगे? करेक्ट, बाईपेक्टिनेट टाइप। बाईपेक्टिनेट टाइप, बाई मीन्स टू। पेक्टिनेट का एग्जाम्पल देखें तो एक बीटल है जिसे बोलते हैं फायर कलर्ड बीटल। इसके अंदर आपको पेक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना मिलेंगे। इस बीटल में आप देख रहे हैं कि कॉम्ब लाइक एंटीना है। सैरेट से डिफरेंस इसमें क्या है कि सैरेट से इसके अंदर प्रोजेक्शंस थोड़े लंबे हैं, यानी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस दे रहा है। बाईपेक्टिनेट में एंटीना के दोनों तरफ कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस तरह के एंटीना आपको सिल्क मॉथ में मिलेंगे। इसी तरह आप इंसेक्ट्स में देखेंगे तो पाएंगे कुछ इंसेक्ट्स में मेल और फीमेल में अलग अलग तरह के एंटीना पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि फीमेल स्पीसीज के अंदर एक थ्रेड लाइक एंटीना है जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म, और मेल के अंदर है बाईपेक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना। यानी सिर्फ आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख के अलग अलग सेक्सेस डिफाइन कर सकते हैं। साइंस में इसको बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाई मीन्स टू और मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी। यानी आप सेक्सेस डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख के। इजंट इट ग्रेट? मॉर्फोलॉजी पढ़ने का ये एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि आप सिर्फ बाहर से मॉर्फोलॉजी देख के इंसेक्ट के काफी सारे फीचर्स बता सकते हैं। मान लीजिए आप क्रॉप फील्ड में विजिट करते हैं और वहां पे ऐसे ही किसी इंसेक्ट को देखते हैं जो कि प्लांट्स की लीव को डैमेज कर रहा है। सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख के इंसेक्ट्स की आप ये काफी सारी चीजें पता लगा सकते हैं, उनकी फूड हैबिट्स, उनके सेक्सेस। तो इसीलिए हमें इंसेक्ट्स की मॉर्फोलॉजी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़नी पड़ रही है। और होप आप सभी ये लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगले टाइप का एंटीना टाइप है प्ल्यूमोज। फ्लैजिलम के सेगमेंट्स के जॉइंट से एक हेयर्स का गुच्छा निकलता है और इससे एंटीना को एक फेदर लाइक अपीयरेंस मिलती है। प्ल्यूम का मतलब होता है फेदर। इस तरह के एंटीना टाइप आपको मेल मॉस्किटो में मिलेंगे, यानी सिर्फ एक सेक्स में मिल रहे हैं तो ये भी एक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। इसी की तरह दूसरा एंटीना टाइप है पाइलोज, जिसमें सेगमेंट्स के जंक्शन पे कम हेयर्स पाए जाते हैं, यानी कम फेदरी होते हैं। यानी इस एंटीना में आपको हेयरी अपीयरेंस दिखेगी लेकिन फेदर की तरह बहुत सारे इसमें हेयर्स नहीं होंगे, सिर्फ जंक्शन पे थोड़े थोड़े हेयर्स होंगे। इस तरह के एंटीना टाइप को पाइलोज बोलते हैं और ये फीमेल मॉस्किटो में मिलते हैं। यानी मेल के अंदर प्ल्यूमोज और फीमेल में पाइलोज, यानी मॉस्किटो में ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। बटरफ्लाइज के एंटीना में देखें तो कुछ टर्मिनल सेगमेंट्स एनलार्ज्ड हो जाते हैं और एंटीना पे एक टर्मिनल नोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह के एंटीना को कैपिटेट टाइप बोलते हैं। अगले टाइप के एंटीना है जेनिक्यूलेट, जो कि एल्बो शेप्ड एंटीना होते हैं, जिसमें एंटीना का फर्स्ट सेगमेंट जिसे स्केप बोलते हैं वो इलोंगेटेड होता है और बाकी के सेगमेंट्स स्मॉल साइज के होते हैं और स्केप से ऑलमोस्ट एक 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड होते हैं। यानी हाथ का जिस तरह से शेप होता है उस तरह का एंटीना शेप बनता है और इसे जेनिक्यूलेट टाइप ऑफ इंसेक्ट एंटीना कहते हैं। इस तरह का एंटीना टाइप आपको हनी बी, एंट और विविल्स में मिलेगा। अगला एंटीना टाइप है लैमिलेट। इस एंटीना टाइप में एंटीना के टर्मिनल सेगमेंट्स वन साइड काफी ज्यादा एक्सपांड हो जाते हैं और ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूर से देखने पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगता है। इस तरह के एंटीना टाइप आपको डंग रोलर या जिसे डंग बीटल कहा जाता है उसमें करेक्टरिस्टिकली पाए जाते हैं। अगला एंटीना टाइप है फ्लैबिलेट टाइप। इस एंटीना टाइप में अपर फ्लैजिलोमर्स वन साइडेड इलोंगेटेड होते हुए ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। ये सेगमेंट्स के इलोंगेशन एक फैन लाइक अपीयरेंस देते हैं। ये एंटीना टाइप आपको एक एंडोपैरासिटिक इंसेक्ट फैमिली है जिसे बोला जाता है स्टाइलोपीडी, उसके मेंबर्स में करेक्टरिस्टिकली पाया जाता है। अगला एंटीना टाइप है एरिस्टेट। एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना में टोटल 3 सेगमेंट्स ही होते हैं और थर्ड टर्मिनल सेगमेंट काफी ज्यादा एनलार्ज्ड होता है। इस एनलार्ज्ड सेगमेंट के डोर्सल साइड, डोर्सल मतलब ऊपर की तरफ, एक थ्रेड लाइक ब्रिस्टल होता है जिसे बोलते हैं एरिस्टा। यानी एरिस्टा बियरिंग जो एंटीना होते हैं उनको बोलते हैं एरिस्टेट।
एरिस्टा के ऊपर काफ़ी सारे माइन्यूट हेयर्स होते हैं। इस तरह के एंटीना करैक्टरिस्टिकली हाउस फ्लाइज में मिलते हैं और ये एयर करंट के मूवमेंट को सेंस करने और इनके अंदर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो हाउस फ्लाइज को सूंघने की कैपेबिलिटी देती है। इसी तरह से अगला एंटीना टाइप है स्टाइलेट। स्टाइलेट एंटीना में 3 to 4 सेगमेंट्स होते हैं और टर्मिनल सेगमेंट इलांगेटेड पॉइंटेड होता है, यानी एक ब्रिस्टल हेयर की तरह होता है। इस ब्रिस्टल को बोलते हैं स्टाइल, और ऐसे एंटीना जिनमें स्टाइल हो उनको क्या बोलेंगे, स्टाइलेट टाइप ऑफ एंटीना। ये एंटीना कैरेक्टरिस्टिकली रॉबर फ्लाई में मिलता है। कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। Learn agriculture with us, learn Alaska, learn Alaska, learn agriculture with Agridits, learn agriculture with Agridits, enjoy learning.